गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस हेयर क्लास 10 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी। कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, जो कि कुछ प्रॉब्लम्स रह गई थी प्रीवियस सेशन में, हमने एक्सप्लेन भी की थी, इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्व कर रहे हैं। कंप्यूट द हीट जनरेटेड वाइल ट्रांसफरिंग 9600 कूलम ऑफ चार्ज इन वन आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 वोल्ट्स। कि 5 वोल्ट्स का क्या पोटेंशियल डिफरेंस है और 1 आवर्स टाइमिंग लग रही है उसमें, तो आपको जो चार्ज दे रखा है इसमें गिवन, वो कितना है 9600 कूलम का चार्ज, ठीक है। तो जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसमें वो फाइंड कर रहे हैं कि हीट कितनी प्रोड्यूस हो रही है। क्यू इज इक्वल टू 9600 गिवन है। आपको वी फाइंड करना है तो वी का फॉर्मूला बाय द पोटेंशियल डिफरेंस, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू। तो B वैल्यू 5 वोल्ट्स एंड W हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, एंड Q वैल्यू 9600। सो W इज इक्वल टू टॉस मल्टीप्लाई से 5 × 9600 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 48, ठीक है, 40। उसको अगर आप पावर्स में राइट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 4.8 जूल की पावर 5 जूल, ठीक है। जो वर्क होता है वो किस में होता है, जूल में होता है, तो इसलिए जूल में आ गया। नेक्स्ट है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमें इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स फाइंड करने, यानी एन फाइंड करना है, कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो चार्ज जो है वो कितना है, 1 कूलम है, तो क्यू इज इक्वल टू 1 कूलम एंड ई वैल्यू गिवन है इलेक्ट्रॉन्स के लिए 1.6 × 10⁻¹¹। अब एन फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या, बाय द लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन क्यू इज इक्वल टू एन। सो एन इज इक्वल टू क्यू ओवर ई, क्यू वैल्यू 1 एंड ई वैल्यू 1.6 × 10⁻¹¹, ठीक है। पॉइंट को जैसे ही हटाएंगे क्या 0 इंक्रीज हो जाएगा, 2 8 16 एंड 2 5 10। फिर 8 से 5 को डिवाइड करिए कितना आ जाएगा 0.625 × 10⁻¹¹। पॉइंट्स को जैसे ही क्या करेंगे, आगे लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 0.625 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या फाइंड करना था, हमें एन फाइंड करना था, यहाँ पर हमें एन फाइंड करना था, ओके। एंड नेक्स्ट है 10⁻²० इलेक्ट्रॉन्स ईच हैविंग चार्ज, 10⁻²० इलेक्ट्रॉन्स ईच हैविंग चार्ज ऑफ 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम पास फ्रॉम पॉइंट ए टॉवर्ड्स अनदर पॉइंट बी इन 0.1 सेकेंड। कैलकुलेट द करेंट इन एम्पियर, कि एम्पियर में हमें करेंट फाइंड करना है। 10⁻²० इलेक्ट्रॉन्स है ईच हैविंग चार्ज ऑफ 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। 10⁻²० इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनका चार्ज गिवन है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम एंड पास फ्रॉम वन पॉइंट से अनदर पॉइंट, कि वन पॉइंट से लेकर अनदर पॉइंट तक जो उन्हें वन पॉइंट से अनदर पॉइंट तक जो टाइम लगता है वो 0.1 सेकेंड। तो उसके बीच में जो उसमें जो करंट फ्लो होता है उसको हमें फाइंड करना है। कैलकुलेट द करंट इन 1 एम्पियर। सो एन इज 10⁻²० इलेक्ट्रॉन्स एंड ई वैल्यू 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, क्योंकि चार्ज है, ठीक है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम एंड टी वैल्यू टाइम 0.1 सेकेंड। अब फाइंड करना है हमें आई, क्या कैलकुलेट करना है, आई कैलकुलेट करना है। सो बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। सो क्यू वैल्यू बाय द लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन क्यू इज इक्वल टू एन ई, एन ई ओवर टी। सो एन वैल्यू 10⁻²० एंड ई वैल्यू 1.6 × 10⁻¹⁹ अपॉन में टी वैल्यू 0.1, ठीक है। अब पॉइंट से पॉइंट आप क्या करेंगे, कट कर देंगे, तो ये कितना हो गया 16 हो गया, ठीक है, कितना 16, ये पॉइंट तो कैंसिल हो चुका एंड 10⁻²० है और 10⁻¹⁹ है, ठीक है। तो मैं जो मल्टीप्लाई में जो रूल होता है, पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो आप क्या करेंगे कि 10⁻²− 19 है, ठीक है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो 1.6 × 10⁻¹⁹ कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 1.6 × 10
1.6 नहीं है, ये क्या हो चुका है, कैंसिल हो चुका है. सो आई वैल्यू 160 एम्पियर. ठीक है, आई वैल्यू 160 एम्पियर. ओके थैंक यू. सारे रिलेटेड इससे जितने भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो चुके हैं. ओके थैंक यू.